हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे दाल गोश्त या दालचा। तो इसको बनाने के लिए मैंने हाफ कप ऑफ तूर दाल ली है और हाफ कप ही मैंने यहाँ पर मसूर की दाल ली है। एक छोटा सा दूधिया मैंने ले लिया था लौकी, जिसको मैंने इस तरह से पीसेस में कट करके रख दिया है, पील करके। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस मैंने यहाँ पर ली है, तो इसमें मैंने 2 तेज पत्ता लिया है। और इसके अलावा मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 3 से 4 हरी इलायची ली है, 7 से 8 मैंने काली मिर्चें ली हैं, 3 से 4 लौंग और एक छोटा टुकड़ा मैंने बादियान का लिया है। आप चाहे तो आप बादियान को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ पाउडर्ड स्पाइसेस लिया है, 2 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1.5 टेबल स्पून भर के धनिया लिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला है एंड सॉल्ट एज पर आज टेस्ट हम यूज करेंगे। इसके अलावा तड़के के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें ली है, एक छोटा सा प्याज लिया है, कड़ी पत्ता ले लिया है थोड़ा सा, और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए हम यूज करेंगे। मटन मैंने लिया है 600 ग्राम्स, प्याज एक बड़ा मैंने यहाँ पर स्लाइस करके रख दिया है, एक बड़ा टमाटो मैंने लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, 2 टेबलस्पून भरकर मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, और मैंने एक मुट्ठी भरकर इमली ली है जिसको मैंने इस तरह से यहाँ पर भिगो दिया है। इसके जगह पर आप 2 नींबू का रस निकालकर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज उस पर क्लिक कर दे और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से दाल गोश्त। तो यहाँ पर मैंने दाल को प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसमें हमने वाटर को ऐड कर देना है, थोड़ा सा हल्दी हम ऐड कर देंगे, जस्ट 1/4 टीस्पून। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से प्रेशर कुक कर लेना है जब तक दाल बिल्कुल ही अच्छी तरह से गल जाए। तो हम इसको 6 to 7 विसिल लगा लेंगे। तो यहाँ पर दाल को मैंने ऑलमोस्ट 6 to 7 विसिल्स लगा दिया था और दाल भी अगर आप देखें तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से बिल्कुल मुशी हो चुका है और बिल्कुल अच्छी तरह से मैशअप हो चुका है। इसको थोड़ा सा हमने घोट लेना है। दाल में मैंने सिर्फ हल्दी ऐड की थी, नमक ऐड करने से थोड़ा सा कुकिंग प्रोसेस डिले हो जाता है और उसमें टाइम लगता है गलने के लिए, हल्दी से कच्ची स्मेल नहीं रहती, इसलिए हल्दी डालकर जरूर उबाले दाल को। तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं और चलते हैं मटन की तरफ। यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैंने 1/2 कप ऑफ ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ये सारे स्पाइसेस जो मैंने लिए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको 1 मिनट के लिए हमने टॉस कर लेना है जब तक ये स्पाइसेस अच्छे से पफ अप हो जाए। अब इसमें हमने प्याज भी ऐड कर देना है, प्याज को हमने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जैसे ही प्याज गोल्डन हो जाए और इस कलर पर आ जाए तो हमने इसमें मटन ऐड कर देना है, टमाटोज भी ऐड करेंगे और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी हमने ऐड कर देना है। इसको अब हमने हाई हीट पर अच्छी तरह से भून लेना है जब तक मटन सारा वाटर जो है वो इवापोरेट ना कर ले और ये ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सारा ऑयल लूज आउट हो रहा है और टमाटोज भी सॉफ्ट हो चुके हैं, मटन अच्छी तरह से भून चुका है इसमें। अब सारे पाउडर स्पाइसेस जो हमने लिए थे ये सारा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब इसको हमने हाई हीट पर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है इन स्पाइसेस के साथ ही। तो यहाँ देखिए 1 से 2 मिनट हो चुका है, मसालों के साथ इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। थोड़ा सा वाटर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको अब हमने प्रेशर कुक कर लेना है जब तक मटन बिल्कुल ही टेंडर नहीं हो जाता इसमें। तो अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं और इसको हम तब तक कुक कर लेंगे जब तक मटन अच्छी तरह से टेंडर नहीं हो जाता है। तो मैं इसको 1 विसिल लगाऊंगी हाई हीट पर, उसके बाद हमने इसको लो फ्लेम पर 15 to 20 मिनट्स के लिए कुक कर लेना है। आपने अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से उसको गला लेना है। तो यहाँ इसका प्रेशर कम्प्लीटली जा चुका है और मटन भी अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है इसमें। अब हमने इसमें जो दाल उबाली थी वो हम ऐड कर देंगे। तो दाल को मैंने थोड़ा सा घोट लिया था और ये सारा जो दाल है ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। मटन को हमने ऑलमोस्ट 90% कुक कर लेना है बिकॉज उसमें हमने दाल के साथ भी कुक करना है। लौकी वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। वाटर ऐड कर देंगे हम इसमें और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस को ऑन कर देते हैं और इसको हाई हीट पर हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे जब तक ये जो लौकी है ये अच्छी तरह से टेंडर नहीं हो जाता है इसमें। तो ये देखिए, मैंने इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था सिमर पर और अब हमने इसमें जो इमली का पल्प लिया था उसका पल्प मैंने निकाल लिया है, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसको हम अच्छी तरह से सिमर पर छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का ऐड करना ऑप्शनल है, अगर आप उसको एक्सेस ऑयल में तड़का नहीं देना चाहते तो आप इसी में हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता ऐड कर सकते हैं और उसको 3-4 मिनट के लिए बॉयल कर सकते हैं, तो इससे भी उसका फ्लेवर अच्छी तरह से दाल गोश्त में उतर आएगा।
तो यहाँ पर तड़के के लिए मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल डाला है। आप चाहें तो उसको घी में भी तड़का लगा सकते हैं। तो अब हमने इसमें पहले प्याज ऐड कर देना है। प्याज को अच्छी तरह से हमने सौटे कर लेना है, साथ साथ हमने इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर देनी है। हरी मिर्चों को मैंने थोड़ा सा स्लिट कर लिया है बीच में से, वरना अगर आप इसको इसी तरह ऐड कर देंगे तो ये ऑयल में फट सकता है। करी लीव्स भी ऐड कर देंगे हम। करी लीव्स ऐड करना ऑप्शनल है, अगर आपको उसका फ्लेवर दाल गोश्त में पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। गैस को ऑफ कर देते हैं और रेड चिली पाउडर थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। ये जो तड़का हमने तैयार किया है वो सारा हमने दाल गोश्त पर ऐड कर देना है। थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे हम इसी समय, इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन दाल गोश्त तैयार हो चुका है। इसको हम सिमर पर छोड़ देते हैं 1-2 मिनट के लिए और ये रेडी है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है दालचा या दाल गोश्त। आप इसको रिलिश कर सकते हैं बघारा राइस के साथ, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।